हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करने जा रहे हैं। वो डेरिवेशन है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। लेकिन लेंस मेकर फॉर्मूला को करने से पहले आपको पता होना चाहिए लेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में लेंसेस के पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप जाके आई बटन पर क्लिक करिए और लेंसेस का वो वीडियो देखिए, बिकॉज बिना वो वीडियो देखे हुए आपको ये वीडियो की टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज ये डेरिवेशन जो है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला का। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में यहाँ पे मैंने डायग्राम को ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक मैंने थिन लेंस को यूज़ किया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, लेंस के आपके दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, इसको मैंने ए बोल दिया, और जो यहाँ पर सेकेंड स्फेरिकल सरफेस है उसे मैंने बोल दिया बी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट ओ है। इस ऑब्जेक्ट ओ से एक रे ऑफ लाइट सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस यानी ए पर इंसिडेंट होती है। तो देखिए, यहाँ पे जो रे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से जो रे है वो क्या हो रही है, फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। जैसे ही ये रे फर्स्ट सरफेस पर आएगी तो वहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद इसकी जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, आई डैश पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ये जो रे ऑफ लाइट है ये जैसे ही क्या होगा, दूसरी स्फेरिकल सरफेस यानी बी पर इंसिडेंट होगी, उस केस में क्या होगा, बी की वजह से यहाँ पर जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, आई पर। तो आपको याद रखना है कि जब कोई भी लेंस हम लोग रखते हैं तो उस लेंस से जब कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो उसकी जब फाइनल इमेज बनती है, वो फाइनल इमेज कहाँ पर है, ये आपके क्या हो गई, फाइनल इमेज हो गई, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि लेंस और यहाँ पे क्या, ये आपका एयर है, ये आपका क्या, ग्लास है। तो इसलिए हमने क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल है तो इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हो गया और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर N2 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और जैसे कि जानते हैं कुछ पोजिशन को, तो जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन है लेंस से वो आपकी U हो गया, आई डैश की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो हमने ले लिया V1, और आई की जो पोजिशन है ओ से ये हम ले रहे हैं V। तो ये हमने फिलहाल डायग्राम में इतना चीज़ें किया हुआ है। अब देखिए, आपको याद रखना है किसी भी स्फेरिकल सरफेस से जो आपका रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N2 upon V minus N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon R। ये होता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस के जो फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, N2 upon V। तो इसकी जो इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, आई डैश पे, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, V1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, N1 upon U सेम रहेगा बिकॉज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, U है, N2 minus N1 भी सेम रहेगा। और यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, उस फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस की जो R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया वो कितना हो गया, R1 हो गया, इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब क्या करते हैं, फॉर सेकेंड सरफेस, तो जो सेकेंड सरफेस है इसमें देखिए, सेकेंड सरफेस मतलब बी वाई सरफेस जो है। अब जब इस बी सरफेस की बात करेंगे तो इसके लिए याद रखिएगा, जो पहली सरफेस की जो इमेज है वो दूसरी वाई सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो ये जो आपका पहले सरफेस की जो इमेज थी वो इस सरफेस के लिए होगी ऑब्जेक्ट, तो ये आपके ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, आई पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस में आपकी जो लाइट थी वो एयर से ग्लास में जा रही थी, बट सेकेंड स्फेरिकल सरफेस में क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रही है। तो जो N2 और N1 है वो भी क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो पहले आपका N2 था, अब वहां पे क्या हो जाएगा, N1 upon V। क्या था, पोजिशन ऑफ इमेज, तो यहां पर पोजिशन ऑफ इमेज कितनी है, वी है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा V माइनस N1, N1 की पोजिशन क्या होगी, यहां पर N2 हो जाएगा,
ये आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। डिवाइड बाई यू ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये यानी कि वी वन। तो यहां पे आपको क्या हो जाएगा, वी वन इज इक्वल टू, ये भी इंटरचेंज हो गया, एन वन माइनस एन टू अपॉन आर टू, ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर टू। अब आपको क्या करना है, बस एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, बस दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो देखिए यहां पे क्या है, n2 upon v1 है, यहां पे n2 upon v1 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, यहां पर ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका ये टर्म बच गया एन वन अपॉन वी, फिर आपका ये टर्म बच गया माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू, यहां पे पहले क्या करते हैं, इस टर्म को लिखते हैं, यानी आपका हो गया n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस सेकंड टर्म क्या हो गया, n1 माइनस n2 अपॉन r2। क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं यहां पर रफ कर देता हूं। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, n1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे हमने क्या किया, सीधे सीधे n1 को कॉमन ले लिया, क्या बच गया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू। अब यहां पे देखिए आपको लिखा हुआ n2 माइनस n1 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख लीजिए n2 माइनस n1 अपॉन r1, ठीक है। और यहां पे क्या करें, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस को आप जब कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, यानी आपको यहां पे भी n2 माइनस n1 अपॉन r2 हो जाएगा। अब यहां पे n1 ऐसे रहेगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू हो गया इज इक्वल टू, अब यहां पे भी n2 माइनस n1 है, यहां पर भी n2 माइनस n1 है, दोनों क्या करेंगे आप कॉमन ले लीजिए, तो n2 माइनस n1 आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब यहां पर सिर्फ एक स्टेप और बचा हुआ है, आपको क्या करना है, यहां पर याद रखिए जो n1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर को, ठीक है, और जो n2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लास को। तो आप लोगों को पता है कि जो आपका एयर होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो जहां पे भी n1 वहां पे यूज किया है वहां पे हम क्या करेंगे, इसको 1 पुट कर देंगे। तो याद रखिएगा यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे आपका n1 हो गया 1, तो क्या बचा आपका, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहां पे क्या हुआ आपका जो n2 है, देखिए याद रखिएगा n1 को 1 करना है और जो n2 है इसको क्या कर देना है, n कर देना है, ठीक है। तो आपका n2 की जगह पे क्या हो गया, n माइनस 1 हो जाएगा और ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये चीज कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u क्या होता है, फोकल लेंथ, यानी 1 अपॉन f। तो बस आपका स्टेप कंप्लीट हो गया, 1 अपॉन f इक्वल टू हो गया n माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, यही आपका हो गया लेंथ मेकर फॉर्मूला। तो यही आपको फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेंथ मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है वो जरूर बताइए हमको, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।